हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम व्यापम जेल पहरी के 21 जुलाई 2017 के शिफ्ट 2 के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये हमारी मैथ की वीडियो का पार्ट नंबर 13 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 12 तक अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है, एक श्रृंखला दी हुई है, इस श्रृंखला में बताना है कि कौन सा पद, इस श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। देखिए, जब भी किसी श्रृंखला में पॉइंट या फिर पॉइंट कुछ भी पॉइंट में आने लगे तो समझ लीजिएगा इस श्रृंखला में 0.5 को मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कुछ ऐड हो रहा है पॉइंट में। तो देखिए ये क्या कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए 8 होगा, 8 × 0.5 जब मैं कर रहा हूँ, 8 × 0.5 + 1 तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 आया, 5 × अब जो 0.5 था ना, तो 0.5 को हमें बढ़ा देना है आगे। 0.5 बढ़ाएंगे तो 0.5 + 0.5 1 होगा, प्लस 1 में 0.5 करेंगे तो 1.5, ये हो जाएगा 6.5। देखिए 6.5 नेक्स्ट पद है, ये पांचवा था। अगले के लिए क्या करेंगे, 6.5 × 1 था तो 1.5 + 1.5 0.5 2 हो जाएगा। जब इसे हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा अपना 11.75। अगला पद क्या, देखिए अब ये 11 है, आना क्या चाहिए 11.75, यानी कि ये पद जो है पद गलत है, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। हमें बताना है कि भुजाएं की संख्या क्या होगी। देखिए इसमें दिया नहीं है, समबहुभुज की भुजाएं नहीं दिया हुआ, कितनी भुजाएं हैं, ठीक है, और ये दिया सॉरी, और इसमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक प्रत्येक कोण दिया हुआ है, सारा कोण नहीं दिया हुआ कि सारा अंतःकोण दिया हुआ, प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा, n कर देंगे × 120 बराबर n − 2 × 180। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 2 = 6 × 12 और 6 × 3 = 18, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n − 6, n को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 6, ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण है दिया हुआ है, x² + 10x + 21 दिया हुआ है, हमें बताना है इसके मूल क्या होंगे, इसके जो दो रूट आ रहे हैं वो दो रूट क्या होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो x² + 10x + 21, अब मुझे 21 जो हो रहा है 21 हो रहा है, 21 के दो ऐसे रूट बताना है जिसका तो गुणा करे तो 21 आए और जोड़े घटाने में कितना है, 10 आए। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे, 7 × 21 7 और 3, 7 का 3 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा और 7 × 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका साइन चेंज कर देंगे, साइन जब चेंज करेंगे तो 7 को हो जाएगा -7 और 3 का जब चेंज करेंगे तो -3, तो ये ऑप्शन -7 − 3 चौथा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। कह रहा है यदि क्रय मूल और विक्रय मूल क्रमशः 10 अनुपात 11 दिया के अनुपात में हो तो हम बताना है लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ का प्रतिशत, देखिए इनका दिया हुआ रेशियो दे दिया है, क्रय मूल है विक्रय, क्रय मूल मैं कॉस्ट ऑफ प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ क्रय मूल हो गया और विक्रय मूल को सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो दे दिया है 10 अनुपात 11। देखिए कॉस्ट ऑफ प्राइस 10 था और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल 11 हुआ, तो इनके लाभ कितने का हुआ, 1 का लाभ हुआ। तो मुझे लाभ को परसेंटेज बताना है, 1 का लाभ हो तो परसेंटेज बनाने के लिए लाभ का परसेंट बराबर लाभ अपॉन, लाभ अपॉन कितना, कॉस्ट ऑफ प्राइस जो क्रय मूल था 10 × 100, ये जो हो जाएगा 10%, 10% है ना, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है,
वह संख्या क्या होगी? बताने की कोई संख्या है जो जीरो नहीं है, उसका और उसके व्युत्क्रम का योग दो है। तो ठीक है, मान लिया कि वो संख्या यक्स है अपनी, यक्स का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का जो है योग दिया हुआ है 2x + 1/x = 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे x आ जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा यक्स को x (x²) + 1 = 2। x² + 1 x राइट साइड चला जाएगा, 2x हो गया। अपनी इक्वेशन बन गई x² - 2x + 1 = 0। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए इसके दो फैक्टर क्या होंगे, -1 और -1। -1 - -1 का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, -1 - -1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या किया करते हैं कि इनका साइन चेंज कर देंगे, तो ये 1 और 1, तो जो अपनी संख्या आ रही है वह संख्या कौन हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक समबहुभुज है कि आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1440, तो बताना है कि भुजाओं का क्या हो जाएगा, कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए यदि कोई भी बहुभुज दिया कितना भी हो और उसके आंतरिक कोणों का सारे कोणों का योग दिया हुआ है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, तो टोटल एंगल इंटरनल एंगल है थीटा, बराबर हो जाएगा n - 2 × x + 80। थीटा बराबर इतना हो गया, थीटा बराबर कितना दिया, 1440 दिया हुआ है, n - 2 × x + 80। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 144/18 n - 2। अब ये 18 × 144 होता है, तो n - 2 = 8, तो n = 2 इधर आ जाएगा, तो 8 + 2 = 10 हो जाएगा, यानी कि इसके बाद 10 भुजाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व बता रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुनी थी, तो हमें बताना है कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, ये दिया हुआ है 11:5, पिता की वर्तमान आयु बताना है कि कितनी होगी। देखिए 5 वर्ष पूर्व बोला है, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए हम क्या करेंगे कि -5 यहाँ लिख देंगे, 5 वर्ष पूर्व है तो -5 कर दिया, ठीक है, यहाँ पिता कर दो और ये कर दो, इनका अनुपात दिया 5 वर्ष पूर्व कितना दिया हुआ है, आयु का अनुपात 3 गुनी, यानी कि 3:5 देंगे। 5 वर्ष बाद यानी कि +5 वर्ष है, ठीक है, कितना अनुपात हो जाता है, 11:5। अब क्या करना है कि इनमें देख लेना कितने का अंतर है, तो 11 - 3, जब 11 - 3 करेंगे तो ये 8 आ जा रहा है और ये 4 आ रहा है। हमें क्या करना था कि इन दोनों का रेशियो देखना था कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए इनका रेशियो बराबर नहीं आ रहा, यदि रेशियो बराबर नहीं आ रहा तो रेशियो बराबर करना पड़ेगा। तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले तो हम देख लेंगे कितने का अंतर, 3 - 1 कितना होगा, 2 का अंतर है, और नीचे वाले में कितने का अंतर हो जाएगा, 6 - 5 = 11, 6 का अंतर। अब क्या करेंगे कि ये जो 6 नीचे वाला था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई, और जो ऊपर अंतर 2 था तो नीचे कर देंगे, तो नया रेशियो निकाल लेंगे, पिता और पुत्र का नया रेशियो क्या होगा आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 6 का 3 में जब करेंगे 36 = 18, 2 का 12 में, अब 2 का 11 में करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और 2 का 5 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10। अब देखिए इनका अंतर देखेंगे, 22 - 18 करेंगे 4 हो जाएगा, 22 - 18 = 4 हो जाएगा। देखिए ये 6 होगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 6 होगा, तो ये 6 ये 4 हो गया। अब देखिए रेशियो बराबर हो, अब ये रेशियो जो बराबर हो रहा है बराबर कर दे, किसके बराबर हम कर देंगे, ये जो अपने पास कितने वर्ष थे, देखिए 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इन दोनों में जो वर्षों का अंतर हो रहा है, कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा, 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10/4 वर्ष, ठीक है,
पिता की आयु निकाल लेंगे, हमें क्या बताना, पिता की वर्तमान आयु बताना, तो पिता के लिए देख लेंगे, पिता की आयु निकाल लेंगे। देखिए एक पार्ट बराबर 10/4 था, तो 18 पार्ट निकाल लेंगे, 18 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा, 10/4। जब इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 45। देखिए 45 वर्ष जो आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व आ रहा है, 5 वर्ष पूर्व 45, प्रेजेंट एज बताना है, वर्तमान आयु बताना, तो उसके लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना 45 5 50 हो जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ABC के द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 42 रुपये में ठेका लिया जाता है। ए अकेले उस काम को 6 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 10 दिनों में, तथा सी अकेले उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि वो तीनों एक साथ कार्य करे तो सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, हमें बताना है इसमें सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए यहाँ पास दिन दिया, जब भी क्वेश्चन में पैसे दिया होता है कि तीन लोग मिलकर इतना पैसा कमाते हैं, तो सबसे पहले जो दिन दिए होते हैं उन दिनों को हम क्षमताओं में कन्वर्ट कर देंगे, क्षमताओं में बदल देंगे। तो देखो यहाँ पास ABC का दिया है, ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। क्षमताएं क्या होती है, देखिए किसी की क्षमता क्या होती है, इन्वर्सली प्रपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसका, समय का। समय का अगर व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो ये हो जाएगा 1/6, 1/10, और ये हो गया 1/12। इनका जब मैं एलसीएम लूंगा, जब मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, एलसीएम आ गया 60, 12 5 60, 10 6 60, और 6 10 6 60। अब आ गया तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10 6 और 12 5 60। देखिए ये अपना जो रेशियो होगा 10:6:5, ये अपनी क्षमता का रेशियो आ गया है। तब क्षमता का रेशियो जो है 10:6:5, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये जुड़ के मिल के कितना पैसा कमा रहे हैं, 4200 रुपये कमा रहे हैं, ये मिल के 4200 कमा रहे हैं। तो इनको जब जोड़ें तो 21 बराबर हो गया 4200, तो 1 बराबर कितना हो गया, 21 दूनी 4200। अब हमें किस क्या बताना है, किसके लिए कौन, सी जो है कितना पैसा कमाता है, सी जो है 5 था, एक पार्ट बराबर 2 था, तो सी बराबर 5 था, तो 5 के लिए 200 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 × 10 20, यानी कि 1000 रुपये, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि रिक्त स्थान, खाली स्थान की जगह में क्या आएगा, जो प्रश्नवाची चिन्ह दिया हुआ है उसकी जगह में क्या आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस कम दिया हो, दो डिजिट सीरीज के बीच में जो अंतर है कम दिया हो, तो उनके बीच में हम अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पास 5 6, यहाँ पास प्रश्नवाची वाक्य हमें नहीं पता क्या है, 40 89 170 और 291। तो जब मैं इसके बीच में अंतर निकाला तो ये 1 आ गया। देखिए इसके बीच के अंतर हमें पता नहीं है, इसके बीच के भी अंतर हमें नहीं पता है। अब ये 40 और 89 के बीच में जब हम अंतर कर रहे हैं तो ये 49 आएगा, 49 आ जाएगा। अब 170 और 89 के बीच में जब हम अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 81 का, और 291 और 170 के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, 121 का। देखिए ये पैटर्न देख के हमें पता चल रहा है कि देखिए 49 7 का स्क्वायर होता है, फिर 7 के बाद 9 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 11 का, यानी कि 2 के 1 के गैप के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये 1 था, 1 का स्क्वायर 1 ही था, 1 के बाद 1 का गैप करके 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि यहाँ पास 9 आ रहा है तो ये संख्या हमें पता चल गई, 9 6 15, 9 को हम 6 के साथ जोड़ देंगे तो ये वाला हमें पता चल जाएगा, ये स्थान हो जाएगा 15। और वेरीफाई करने के लिए तो देखेंगे, देखिए यहाँ पास 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ पास 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, और 25 15 जब जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है, यानी करेक्ट हो गया अपना 15, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चावल की कीमत
60% बढ़ गई है तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितना कम करेगा, जो नई कीमत अपने पास है उसमें मैं कितना कम करें कि अपन चावल की वही कीमत आ जाए। देखो हम मान लेंगे कि चावल की अपनी पुरानी कीमत कितनी थी, 100 थी, ठीक है। चावल की जो 100 थी, 100% था, अब इस 100% में 40% 60% बढ़ गया है। यदि 60% बढ़ जाएगा तो इस समय से क्या हो जाएगा, कीमत 160 होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, जो 160 हो गई है, अब कह रहा है कि चावल को पुनः मूल्य पर, पुनः मूल्य यानी कि 100 पर लाने के लिए नई कीमत, जो ये अपनी नई कीमत 160 है, इसमें कितना कम करना पड़ेगा कि ये 100 हो जाए, यानी 60 इसमें कम करेंगे, 60 इसमें कम करेंगे तब ये हो जाएगा, 100 पहुंचेगा। तो मैं इसका परसेंटेज निकाल लूँगा, 60/160 में है, 160×100, जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 37 सही 1/2%, ये ऑप्शन नंबर डी 14 सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी एक काम को पूरा करने के लिए 65 रुपये का ठेका लिया, ए अकेले उसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, यदि वो तीनों मिल गए उसको पूरा करे तो बी की मजदूरी, देखिए इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था सेम ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और ये भी सेम है। चलिए मैं इसे बता दे रहा हूँ कि देखिए जब भी पैसा दिया हो तो मैं इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, ए बी सी ए कितने दिन में करता है, 10, बी 15 और सी 20 दिन में कर रहा है, तो इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए इनवर्स कर देंगे, व्युत्क्रमानुपात 1/10, 1/15 और 1/20, इनका जो मैं एलसीएम ले रहा हूँ एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा यहाँ 6, 4 और 3, 20×3=60 होता है, 15×6=60 और 10×6=60, इनकी जो कार्य क्षमताएँ आ गई 4:3:7, अब ये जो 4:3:7 है ये मिलकर, ये मिल के 6500 रुपये कमा रही हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, 6+4+3 कितना कमा रहे हैं, 6500 रुपये कमा रहे हैं, तो ये होगा 13 पार्ट इज़ इक्वल टू हो गया 65, 1 = कितना हो जाएगा 500, 13×5=65 500। अब हमें क्या बताना है, बी की मजदूरी, बी कितने पार्ट काम कर रहा है, 4 कर रहा है, 1/500 है तो 4 = क्या हो जाएगा, 4×500, 5×20 यानी कि 2000 रुपये, ये ऑप्शन सही हो जाए पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज का औसत रन 50 रन प्रति पारी है, हमें पता नहीं है कितनी पारी, 50 रन प्रति पारी है, अगली 5 पारियों में 400 रन बनाता है, 5 पारियों में 400 रन, तो उसके औसत रन में 5 प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक खेले कितनी पारियां होंगी, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि कितनी पारियां होंगी, पारियों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो दिया हुआ है कि कुछ पारियां खेली हैं, हमें नहीं पता पारियां कितनी हैं, इन पारियों का उसने ऐसा औसत दे दिया है, क्या दिया औसत, औसत दिया हुआ है 50, ये औसत दिया है 50, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह 5 पारी और खेलता है, यदि वह 5 पारी 2, 3, 4, 5 पारी और खेलता है तो अब उसका 400 रन बनाता है, 5 पारियों में 400 रन बनाता है, तो मैं इनका 5 पारियों का औसत निकालूंगा, तो 5 औसत कैसे निकाले, 400/5 करूंगा तो इसका औसत आ जाएगा 80, इन 5 पारियों का औसत उसका 80 हो रहा है, पर इन पारियों खेलने पे उसका औसत क्या होता है, 5 बढ़ जाता है, तो पहले क्या था 50 था, 5 बढ़ गया है, 5 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 50 और 5 55। अब देखिए क्या कर, हमें पारियां नहीं पता पारियां, तो हम मान लेंगे कि देखिए ये पारियां जो थी मान लिए एक्स पारियां थी, ठीक है, ये एक्स पारियां थी, ये पारियां तो हमें पता है कि ये 5 पारियां हैं, तो क्या करेंगे, ये जो 50 है 50-55, देखिए 50-55 कितना हो जाएगा 5, अब ये 5 जो आ रहा है -5 × पारियां
प्लस 80 माइनस 55, 80 माइनस 55 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू पारियाँ, पारियाँ कितनी थी, 5 थी, बराबर 0। तो ये हो जाएगा -5 एक्स बराबर 25, पंचे 125 माइनस में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 25। एक्स बराबर 25 यानी ये जो पहले पारियाँ उसने खेली जो 25 है, तो मैं टोटल पारियाँ बता दूंगा, टोटल पारियाँ कितनी हो जाएंगी, टोटल पारियाँ जो हो रही हैं एक्स प्लस 5, एक्स कितना था 25 प्लस 5, यानी कि टोटल पारी अपनी हो गई 30 पारियाँ, 30 पारियाँ उसने खेली है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज 3 से 1/8% की दर से मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि 3 से 1/8 ब्याज की दर दिया हुआ इसके हिसाब से कि कितने समय पे वह अपने प्रिंसिपल का मूलधन का 3/8 हो जाएगा। तो देखिए ये जो 3/8 दिया हुआ इसका मतलब समझ लो पहले, 3/8 का मतलब क्या है कि 8 जो है वो उसका मूलधन है, ये मूलधन है 8, और इस मूलधन में उसे 3 का ब्याज मिल रहा है, ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। अब देखो अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है बराबर होता है प्रिंसिपल मूलधन पी इंटू दर रेट इंटू समय अपॉन 100, ठीक है 100। साधारण ब्याज अपनी कितनी हो रही है, 3 हो रही है, प्रिंसिपल कितना था 8 था, रेट दिया हुआ 3 से 1/8, 3 से 1/8 को थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, कितना हो गया 25/8, ये हो जाएगा 25/8 इंटू टाइम अपॉन 100 दिया हुआ, 8 से 8 कट गया, जब इसे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 25 चौको 100, तो टाइम जो हो गया 4 3 12 साल, 12 वर्ष समय हो गया, 12 वर्ष में वो 3 से 1/8 की दर से मूलधन का 3/8 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, पुत्र माता और पिता और दादा, पुत्र माता पिता और दादा की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7:8:12 है। यदि पुत्र और माता की वर्तमान आयु का औसत दिया हुआ 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष पश्चात में बताना है कि माता की आयु क्या होगी 7 वर्ष पश्चात। देखिए तो यहाँ पास पुत्र जो है, देखिए मैं रेशियो दिए दे रहा हूँ, थोड़ा सिंबल को यूज कर, सन पुत्र दे दिया, माता मदर दे दिया, पिता फादर दे दिया, और दादा को ग्रैंडफादर, ठीक है। इनका रेशियो दिया हुआ, रेशियो का अनुपात दिया 2:7:8:12। और क्वेश्चन में क्या कहा, कह रहा है कि पुत्र और माता, पुत्र और माता की जो औसत वर्तमान औसत आयु का जो दिया हुआ 27 वर्ष है, चलिए औसत उनका दिया हुआ है 27 वर्ष दिया हुआ है, तो देखिए माता और पिता की हम आयु निकाल सकते हैं, सॉरी माता और पुत्र की, तो मान लेंगे कि देखिए ये रेशियो पहले दिया हुआ है, पुत्र और माता मान लेंगे, सन और मदर की जो अनुपात हो रहा है, जो रेशियो है 2x एंड 3x है, 2x और 7x है, सॉरी 7 ये दिया हुआ तो 7x है, तो इनका जो दिया औसत हम निकाल लेंगे, तो देखिए 2x+7x/2 बराबर कितना दिया हुआ 27 वर्ष दिया है, तो ये 7×2 9x बराबर कितना हुआ 27×9=54, x बराबर निकाल लूँगा, x बराबर क्या हुआ 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, तो माता का जो औसत था क्या था, औसत नहीं सॉरी माता का जो रेशियो दिया हुआ था औसत वो कितना दिया था, अनुपात दिया हुआ था माता का अनुपात दिया था 7x, तो 7×x बराबर 6 6 7 42, ये 42 वर्ष आयु आ गई माता की। अब हमें बताना है 7 वर्ष बाद बताना है, ये तो प्रेजेंट होगी, 7 वर्ष बाद बताना है, तो मुझे इसमें 7 को जोड़ना पड़ेगा, जब मैं 7 को जोड़ रहा हूँ तो ये आ जाएगा 49 ईयर 49 साल, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर होंगे, ठीक है। तो कितने समय, हमें बताना है कि समय क्या होगा, तो
देखिए दोनों की जो स्पीड दी हुई है, दोनों की गति दी हुई है, तो हम दोनों की गति की एवरेज गति निकाल लेंगे। तो एवरेज गति क्या होगी? एवरेज गति जो होगी, एवरेज स्पीड जो होगी, देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। यदि कोई दो लोग विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी, जो गति होगी, दोनों जुड़ जाती हैं। और यदि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी गतियां जो है घट जाएंगी। तो ये 5 + 6, 5 किलोमीटर पर आवर की, ये 4 किलोमीटर, ये होगा 9 किलोमीटर पर आवर की गति होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इतनी आ गई 9 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम, टाइम हमें बताना है कितना लगेगा। तो टाइम जो होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस अपनी दिया हुआ है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर दिया हुआ है। तो 45/9, तो 9 × 45 यानी कि 5 घंटे बाद, 5 आवर बाद वो एक दूसरे से 45 किलोमीटर दूर मिल जाएंगे। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर बताना है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। इसमें हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए आप सिंपल भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आप ट्रिक का यूज करेंगे तो ट्रिक में क्या है कि हम हर में अंश को घटा देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सिंपल जो हर होगा थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा। तो 4 में 1 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। आप 1/3 कर देंगे, 1/3 क्या होता है 0.333 आ जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसीजर है, 8 में 3 को जब हम घटाएंगे 8 में 3 को, तो ये आ जाएगा 5। अब 3/5 कर देंगे, 3/5 कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसे, तो ये आएगा 0.375 आ जाएगा। 81 - 20 61, और 20/61 ये आ जाएगा 0.327। अब 43 - 9 जब कर रहे हैं, 43 - 9 आ जाएगा 34। अब 9/34 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.0264। अब हमें बताना सबसे छोटी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न ये होगी, 2 वाली ये 3 है 3 है 3 है, और इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे छोटी भिन्न ये होगी, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए सेम प्रोसीजर का हम यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर का, ठीक है। 33 में जब मैं 27 को घटाऊंगा, 33 - 27 6 आ गया। अब 27/6 करूंगा तो ये आ जाएगा 4.50। 53 - 47 6 आ गया। अब 47/6 जब कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 7.833। 23 - 17 में भी 6 हो जाएगा, ये हो गया 17/6 तो 2.833। 43 में जब 37 को घटाऊंगा ये भी 6 आ जाएगा, तो 37/6 ये हो जाएगा 6.166। में सबसे बड़ी भिन्न बतानी, सबसे बड़ी भिन्न की 6 है 2 है 7, यानी कि ये हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है, एक नाव अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर घंटे की गति से और ऊर्ध्व प्रवाह में 9 किलोमीटर घंटे की गति से चले, तो स्थिर जल में नाव की, हमें नाव की गति बताना है कि कितनी होगी। तो देखो जब भी नाव और पानी प्रवाह जो हो रहा है एक ही दिशा में है तो दोनों की गतियां जुड़ जाएंगी। यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो इनकी जो होगी गतियाँ घट जाएंगी। तो अनुप्रवाह में दिया, अनुप्रवाह मतलब ये जो है एक ही दिशा में, अनुप्रवाह मतलब एक ही दिशा में, तो नाव जो होगी, नाव को मैं बोट मान रहा हूँ, और वाटर की जो स्पीड होगी, पानी की जो गति होगी, तो इसकी स्टीम एस मान रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों की अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की जुड़ गई 15 किलोमीटर जब, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब जब विपरीत दिशा में होगी, तो B - S बराबर ये दिया हुआ है 9 किलोमीटर। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 2B बराबर हो जाएगा 15 + 9 कितना हो जाएगा 24, तो डी बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड हो जाएगी अपनी नाव की गति। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हमें बताना है कि प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दिया हुआ 1/30 + 1/42 + 1/56 बराबर क्या आएगा। तो देखो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1/30 + 1/42 + 1/56
56 बराबर एक्स मान लिया हमने। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब इसके एलसीएम ले लोगे 30 42 56, 30 42 56 का जब तुम लघुत्तम समापवर्तक ले लोगे तो ये आ जाएगा 840। तो 840 का जब हम 30 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 28 प्लस 42 में ये आ जाएगा 20 और ये 56 के लिए आ जाएगा 15 बराबर एक्स। इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 63/840 बराबर एक्स। इसे सिंप्लीफाई करने पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/40। ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि एक धनात्मक समभिन्न तथा इसकी व्युत्क्रम का धनात्मक अंतर 85/66 है, हमें बताना है कि वे भिन्न क्या होगी। देखिए आप इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन दिया हो उसको आप ऑप्शन से लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, अगर सिंपल मेथड से चलोगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले एक्स मानों की संख्या है, 1/x उसका व्युत्क्रम है और फिर सम वम करके करना पड़ेगा। देखो मैं इसमें ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। देखिए ऑप्शन लेके कैसे चलेंगे कि मान लो कोई संख्या एक्स है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम 1/x होगा, तो मैं ए ऑप्शन को करेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए ए है 5/9 है, 5/9 है और इसके व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। अब देखिए उनका अंतर जब बोल रहा है, समझ रहे हो अंतर का मतलब क्या है, अंतर का मतलब ये है कि इनके बीच में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस लगाना पड़े। अब जब मैं माइनस लगाया तो इनका जब मैं एलसीएम लिया लघुत्तम समाप्त लिया, 9 9 9 = 45, ये 45 आ रहा है अपना, इसमें फ्रैक्शन कितना दिया, ये 66 दिया, यानी कि नीचे वाला जो आना चाहिए अपना 66 आना चाहिए, तो ये तो पहला गलत हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, दूसरा नंबर 6/11 दिया है, इसका व्युत्क्रम जब मैं कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। अब जब इसके इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो 11/6 का 66 आ रहा है, यानी कि काम बन रहा है अपना, 66 यहाँ भी नीचे दिया हुआ था, और अब जब इसका हम करेंगे तो 11/66 में करेंगे, देखो ऊपर वाला भी देख करके देख ही ले रहे हैं, इसे माइनस कर दो, माइनस कर दिया तो ये हो गया 11/6 का 6 और माइनस ये 11 बार जाएगा और ये हो जाएगा 121 होगा, ये हो जाएगा 121 हो गया, और ये हो गया 6 बार गया था तो 6 ऊपर भी तो है तो ये 36 हो जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85/66। माइनस के लिए मत कीजिएगा, मैं इसे पहले लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ये आज की वीडियो के लिए बस इतने का। चैनल आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए।